बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था क्या लीनियर होता है, क्या लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है, और आप कैसे हाउ टू जनरेट अ लीनियर इक्वेशन, उस पर बेस्ड आपको दो तीन क्वेश्चन कराए, लगभग चार पांच क्वेश्चन कराया। अब मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ इज अ न्यू टॉपिक, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या ग्राफिकल मेथड, किस चीज के लिए, लीनियर इक्वेशन, और वो कौन सी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको ग्राफ पेपर पे कैसे डिनोट करते हैं या बाय हेल्प ऑफ ग्राफ कैसे आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। मतलब जो मैंने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन कराया है या जो पहला एग्जाम्पल सबसे पहले दिया था पेन और कॉपी का, अगर उसको ग्राफ पेपर पर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको ये बताता हूँ। इधर देखें बेटा, अगर जैसा पूछ मेरे क्या है, दो लाइन, सबसे पहले मैं लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ, उसके बाद आपको कहानी बताता हूँ। दिस इज लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन होती है ax + by + cy = 0। दिस इज स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन, दिस इज स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन, ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन। बेटा जो x और y है, सॉरी दिस इज ax + by, जो x और y है क्या है, वेरिएबल, ये क्या है, और दो वेरिएबल है इसलिए उसको इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब देखें जरा इसको स्टैंडर्ड, अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तब आप क्या करेंगे, इस एक पहले वन ए वन एक्स वी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड वन ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, एनदर इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन मतलब लाइन की इक्वेशन, सपोज ये लाइन है, सपोज ये क्या है लाइन, ये दो मार्कर मेरे लाइन है, अभी मार्कर मेरे पास दो है, इनके क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये दो मार्कर है या तो मार्कर एक के ऊपर एक ऐसा, दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अगर दो लाइन प्लेन में छोड़ दें, दो लाइन, इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है, इसका नाम है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब दो लाइन है और लाइन क्या होगी, स्ट्रेट, इसको ग्राफ पेपर पे अगर होंगी तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं वो बता रहा हूँ, अगर दो लाइन ग्राफ पे होंगी तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, मैं वो आपको बता रहा हूँ प्लेन, ठीक है, और ग्राफ पे होंगी मतलब कार्टेशियन प्लेन में होंगी, ग्राफ पे होंगी मतलब कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। तो सपोज मैं दो मार्कर, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, फर्स्ट दिस इज ए वन एक्स बी वन वाई सी वन, दिस इज लाइन की इक्वेशन, ये लाइन फर्स्ट है और इसकी इक्वेशन ये, और ये लाइन सेकंड है, ये लाइन की इक्वेशन, अनदर इज। अब मैं दो लाइन को अगर मैं ग्राफ पे ले लूं या कार्टेशियन प्लेन में ले लूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो पहली पॉसिबिलिटी बेटा एक मार्कर मेरा एक के ऊपर आ जाए, अगेन एक, दिस इज द फर्स्ट, और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या, एक के ऊपर एक थोड़ा डिस्टेंस हो जाए, जस्ट इसके ऊपर, सेकेंड पोजिशन ना, और थर्ड है कि सर ये मार्कर ऐसे इंटरसेक्ट हो जाए, एक एक, तो ये मार्कर एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, दिस इज इंटरसेक्ट। अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करूं तो ऐसे देखो तीन ग्राफ, कैसे ग्राफ होंगे बेटा जरा देखें, सबसे पहला केस कि दो लाइन एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक मीन बेटा एक लाइन है इसी के ऊपर दूसरी है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन, यही बताया, दूसरा एक लाइन है और दूसरी लाइन है, दिस इज लाइन की सेकंड इक्वेशन, और तीसरा केस है एक लाइन की इक्वेशन ये है, अगली इक्वेशन ये है, दिस इज एक्स एंड वाई, दिस इज वाई एंड, ठीक है, तो दिस इज अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस इज अ पैरेलल लाइन और दिस वन इज अ कोइंसिडेंट, सर और इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल, और इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। बेटा इसमें दो लाइन क्या करनी, इंटरसेक्ट कर रही किस पॉइंट पे, इस पे, इस पे दो लाइन पैरेलल है बट वो इंटरसेक्टिंग नहीं, और इस पे ये कोइंसिडेंट है, मींस ये एक के ऊपर एक के, तो ये कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, इसके इनफाइनाइट कितने होंगे, इनफाइनाइट, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इनफाइनाइट पॉइंट पे ये लाइन आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो पहला जो केस था कोइंसिडेंट, सेकंड इज अ पैरेलल एंड थर्ड इज अ लीनियर, मैंने आपको ग्राफ के मार्कर की हेल्प से बताया। अब इसकी कंडीशन क्या क्या होंगी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म
क्या है बेटा, कोइंसिडेंट। इसकी कंडीशन क्या होगी, पैरेलल की कंडीशन क्या होगी और इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होगी, किसके फॉर्म में, स्टैंडर्ड मतलब ए बी सी के फॉर्म में क्या कंडीशन होंगी, हम आपको वो बताने वाला। सबसे पहली कंडीशन होगी, अगर बेटा ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, मतलब ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू तीनों का रेशियो क्या आ जाए सेम, तो इस टाइप की जो लाइन होंगी उसको आप बोलेंगे कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और जो सेकंड जो केस होगा, जो पहला लाइन, इसमें क्या होगा, ये मतलब पिछले बार की तरह रहेगा, मतलब रेशियो यही रहेगा ए वन अपॉन ए टू बी वन बी टू और बेटा सी वन सी टू, बस इसमें क्या रहेगा, दिस इज डज नॉट इक्वल बी वन बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन सी टू, तो एक केस हो जाएगा, आप बोल सकते हैं कि लाइन आपस में क्या है पैरेलल। एंड थर्ड केस इज इंटरसेक्टिंग केस, और इसकी कंडीशन क्या होगी, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन बी टू इक्वल टू सी वन सी टू, बस ए वन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन बी टू, तो इस टाइप की जो लाइन होंगी उसको आप बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे बेटा, आप सॉल्यूशन देखें, इस पे कितना सॉल्यूशन है, एक ही जगह कट कर रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसको बोलेंगे क्या, यूनिक सॉल्यूशन। क्या यूनिक सॉल्यूशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही सॉल्यूशन नजर आ रहा, सो इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और बेटा इसमें अगर ये पैरेलल लाइन है, इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, देयर इज नो सॉल्यूशन। क्यों है नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये दो लाइन आपस में ना टच ना इंटर कुछ कर ही नहीं रही, तो सॉल्यूशन होगी नहीं। और इसमें कितना सॉल्यूशन होगा, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि दो लाइन आपस में इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कट कर रही, एक के ऊपर एक लाइन है, तो आप देखें इनफाइनाइट पॉइंट पर टच कर रही है आपस में, सो इट इज अ इनफाइनाइट, ठीक है। तो तीन कंडीशन, इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है, नो सॉल्यूशन की क्या होती है, यूनिक, दिस इज इंपॉर्टेंट ना तीनों में, और ये आपको आना चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब दो टॉपिक होंगे, एक होगा बेटा कंसिस्टेंट और दूसरा होगा इनकंसिस्टेंट, एक होगा कंसिस्टेंट एक होगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट कब होगा बेटा, इनकंसिस्टेंट क्या होगा, अगर कंसिस्टेंट अगर होगा, पहले मैं इसको रब करता हूं, देन आपको बताता हूं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ठीक है। बेटा इधर देखें, एक होता है कंसिस्टेंट एंड सेकेंड इज सिस्टम एंड सेकेंड इज इनकंसिस्टेंट। बेटा अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, ये जरा देखें बेटा, अगर इनकंसिस्टेंट होगा मींस जो नो सॉल्यूशन आया था, जो क्या आया था, नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइन, क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइंस, ये आपका जो सॉल्यूशन देगा वो नो, पैरेलल लाइन क्या सॉल्यूशन देगा, नो, जो नो सॉल्यूशन होगा उसी को बोलेंगे आप इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट। और जो कंसिस्टेंट होगा इसमें बेटा होगा आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और सेकंड जो सॉल्यूशन आता था यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइन आती थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आती थी, और बेटा इसमें कौन सी लाइन आती थी, कोइंसिडेंट यही आती थी, दिस इज लाइंस, ठीक है। तो एक होगा कंसिस्टेंट, एक होगा इनकंसिस्टेंट, इसका बहुत यूज है, आपको एक क्वेश्चन लिख के देगा कि इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, आपको दो इक्वेशन दे देगा और आपसे बोलेगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। सपोज वो दे दिया आपको 2x plus 3y plus 8 equal to 0 and 4x plus 9y equal to 4 equal to 0 और आपसे पूछ ले रहा था कि आप ये बताएं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट, तो ये तो ऑलरेडी आप पहले सीख गए, नो सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट कब होगा, यूनिक, और कंसिस्टेंट को कैसे चेक करेंगे ये। तो आप कंसिस्टेंट को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप ये देखेंगे कि नो सॉल्यूशन तो नहीं है, नो सॉल्यूशन नहीं है मतलब पैरेलल लाइंस तो नहीं है, अगर पैरेलल लाइन
है तो क्या होगा इनकंसिस्टेंट, और बाकी जो भी कुछ गिवन होगा वो क्या होगा कंसिस्टेंट, वो क्या होगा कंसिस्टेंट। अब बात होगी कि नो सॉल्यूशन होता क्या है, हमने अभी पिछले बार बताया था कि नो सॉल्यूशन कब आता है, नो सॉल्यूशन आता है जब तीनों का रेशियो क्या आ जाता है बेटा इक्वल, बस अगर ये कंडीशन आ जाए तभी ये होगा इनकंसिस्टेंट, तभी होगा नो सॉल्यूशन, अदरवाइज सब में क्या होगा कंसिस्टेंट। अब मैं इसके बाद जो अगला टॉपिक, मैं एक चार्ट की हेल्प से आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट सारी चीजें हम आपको एक चार्ट बना रहा हूं लीनियर इक्वेशन, उसके हेल्प से मैं ईच एंड एवरी पॉइंट आपके क्लियर हो जाएगा। इसके पहले भी एक टॉपिक और पढ़ाना चाहूंगा जिसका नाम है होमोजीनियस सिस्टम, आप और आप लिखे मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। होमोजीनियस आप जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, होमोजीनियस, कोई मेरे को बता सकता है होमोजीनियस सिस्टम होता क्या है होमोजीनियस, तो आप दो लाइन लिखेंगे जो मैं बोलूं, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज सेड टू बी, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ ऑल द कॉन्स्टेंट टर्म आर जीरो, इफ ऑल द कॉन्स्टेंट टर्म आर जीरो, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ द ऑल द कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ द इक्वेशन आर जीरो, ठीक है। एंड नोट करके लिखे इसमें नोट, अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज नोट में लिखे नोट और लिखे अ होमोजीनियस इक्वेशन इज ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन। और बेटा जो होमोजीनियस इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक बता दूं कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। सपोज मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके सामने लिखा axby + c = 0, यही ना। अब मैं दो इक्वेशन लिखता हूं उसकी हेल्प से समझाता हूं, ये दो इक्वेशन है ना बेटा, दिस इक्वल टू जीरो। अगर इन दोनों इक्वेशन को मेरे को होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाना चाहिए जीरो, कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाना चाहिए जीरो। तो इस इक्वेशन को मैं होमोजीनियस में कन्वर्ट कर दूंगा, ए मतलब सो अप करा दूंगा, a1x + b1y = क्या हो जाए जीरो, मतलब c की वैल्यू क्या हो जाए जीरो, c1 = क्या हो जाए जीरो। अगर c2 जीरो कर दें तो ये क्या हो जाए a2x + b2y = 0, तो ये आपकी क्या हो गई होमोजीनियस। ये होमोजीनियस क्यों हो गई, क्योंकि बेटा यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म क्या है जीरो, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है जीरो, सो इट इज अ होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस होगा तो वो ओरिजिन से पास होगा, वो कहां से होगा ओरिजिन से। अगर दो लाइन ओरिजिन से पास होगी, सपोज मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको बता रहा हूं, एक लाइन ये है ना और दूसरी लाइन ओरिजिन से ही पास होगी, या कहीं भी आप पास कर दो, कहीं भी आप कहीं भी पास करेंगे तो कम से कम वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट पे करेगी या मोर देन वन पॉइंट, जैसे कि फिगर में आपको ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही। अब मैं एक फिगर बनाता हूं जिसमें एक नहीं कई सारे पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन या होमोजीनियस इक्वेशन जो सिस्टम होगा वो जो लाइंस होंगी वो कई सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट। देखो इधर ये होमोजीनियस का केस है, इसमें क्या होगा होमोजीनियस होगा तो पास ओरिजिन से होंगी दो लाइन, तो बेटा इसमें ओरिजिन से पास होगी सेम, तो इसमें कितने पॉइंट पे कट करे इनफाइनाइट पॉइंट पे, और इसमें ओरिजिन से पास है कितने पॉइंट पे कट करे सिर्फ एक, तो इससे जो सॉल्यूशन आएगा इससे आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इससे आएगा यूनिक सॉल्यूशन। बेटा अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो ऐसे सिस्टम को आप बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। तो नोट का आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि जो होमोजीनियस सिस्टम है वो किसको फॉलो करता है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम, मतलब जो लाइंस होंगी वो क्या किस कैटेगरी में होंगी कंसिस्टेंट में, ये आपसे पूछेगा कि कंसिस्टेंट है या क्या है इनकंसिस्टेंट। अब एक क्वेश्चन के थ्रू आप समझेंगे कि इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, तो अभी सिर्फ आप ये समझे कि अगर ये इक्वेशन है तो वो क्या होंगी कंसिस्टेंट, ठीक है, कौन सी होमोजीनियस, ठीक है।
अब देखें आप इसको रफ कर दें, ये मैं चार्ट बनाता हूं आपके बुक के, एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसके हेल्प से हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे कि आज की जो कहानी थी या जो कल से चल रही थी कि हो क्या रहा था इसमें, इस चैप्टर को पूरा इस चार्ट के हेल्प से आपको एक ही चीज समझ आ जाएगी। देखें आप इस चार्ट को मैं आपकी बुक से ही ले रहा हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि हम कुछ डिफरेंट पढ़ा रहे हैं आपको। इधर देखें चार्ट बेटा, अगर कोई लाइन है फर्स्ट में सारा, अगर आप इस चार्ट को पढ़ लेंगे तो सारी चीजें एग्जैक्ट क्लियर हो जाएंगी। दिस इज एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस टू इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो इज द फर्स्ट। एंड बेटा अगर मैं सेकेंड के केस की बात करूं, उसको लिखते हैं टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो एंड फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस एटीन इक्वल टू जीरो। एंड जो थर्ड में देता हूँ एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। अब देखो मैं क्या क्या निकालूंगा इस चार्ट में, ये तो हुआ पेयर ऑफ लीन पेयर ऑफ लाइन्स, पेयर ऑफ लाइन्स दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सीरियल नंबर एंड सेकेंड मैं ए वन ए टू का रेशियो, बी वन बी टू का रेशियो और बेटा सी वन सी टू का रेशियो, सी वन सी टू। इसके बाद मैं आपको कंपेयर द रेशियो, कंपेयर द रेशियो एंड जो थर्ड होगा इसका होगा ग्राफिकल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड फोर्थ वन इज द एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक। अब देखें आप इसमें क्या करेंगे, ठीक है ये तो ये तैयार। और जब अगर आप इस चार्ट को सीख गए तो समझो ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप कितना काम हो जाएगा, 70% काम आपका यहीं पे हो जाएगा अगर आप इसको बहुत अच्छे से सीख गए। देखें आप, मैं आपको सिस्टमेटिक बताने का प्रयास करूंगा, ये मैं चार्ट बना के दिस इज सीरियल नंबर, दिस इज सीरियल नंबर, इसको एस एन काम कर रहा हूं तो अच्छा कर दूं। ओके ठीक है, अब देखो सारा चीज इससे क्लियर हो जाएगा बेटा। अब इसको कंपेयर कर क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, मैं ऊपर रख दूं ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस वन इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन वन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन सेकंड, मतलब मार्कर नंबर वन एंड मार्कर नंबर टू जिससे मैंने सॉल्व किया। मार्कर ये इक्वेशन इसमें x माइनस टू वाई है, अगर मैं इसमें a ए वन बी वन की बात करूं तो इसमें ए वन बी वन मैं यहीं पर निकाल के आपको वैल्यू बता दूंगा। ए वन, ए वन बेटा देखें ए वन क्या है, इसमें वन वी वन, इसको इससे कंपेयर कराए इस इक्वेशन से, तो x के कोफिशियंट को x से कंपेयर कराएं, y के कोफिशियंट को y से कराएंगे और बेटा कॉन्स्टेंट को किससे कराएं, कॉन्स्टेंट तो यहाँ सी वन है कुछ नहीं है मतलब जीरो है। अगर दूसरी इक्वेशन है ए टू, तो ए टू हमारा एक्स को एक्स से कराएंगे तो एक्स का कोफिशियंट थ्री और यहाँ एक्स का कोफिशियंट ए टू, तो दिस ए टू इक्वल टू टू, यहाँ बेटा बाई का कोफिशियंट फोर और यहाँ बाई का कोफिशियंट बी टू और बेटा यहाँ पे कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो, यहाँ कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है जीरो। तो बेटा आप जरा बताएं, ये मेरा पिछला जो टॉपिक पढ़ाया था ये होमोजीनियस है, हाँ है, क्योंकि कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है जीरो, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं है, नीचे वाला नहीं, लेकिन वो पूरा पेयर नहीं है, पूरा पेयर नहीं है, सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक लाइन है। ठीक है ना, अब इधर देखें, अब आपके इस रेशियो ए वन और ए टू क्या, ए वन ए टू क्या वन बाई टू बेटा, बी वन बी टू क्या हो जाए माइनस टू बाई फोर बेटा, सी वन सी टू क्या जीरो बाई जीरो, यही रेशियो होगा। ठीक है, अब आप कंपेयर द रेशियो, आपको रेशियो कंपेयर कराना है तो आपको तीन जो कंपेयर ए वन ए टू कंपेयर करना है, आप जरा देखें अगर इसको आप कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू, तो आप रेशियो कंपेयर कराएंगे वन बाई टू डज नॉट इक्वल टू माइनस वन बाई टू, यही आ रहा है आपको वन बाई टू डज नॉट इक्वल टू वन बाई टू, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए वन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन बी टू। ठीक है,
आपको ये भी बोल सकते हैं कि सर इसको कंपेयर, इसको अभी आपको पढ़ने नहीं है, दिस इंडिटरमाइंड फॉर्म आप जानते नहीं है सर, आप जानते। अच्छा सॉरी मेरे से गलती हो गई, ये c की वैल्यू इसमें सॉरी कांस्टेंट को इससे कंपेयर कराएंगे तो c2 की वैल्यू 0, c2 की वैल्यू जमाने, तो इससे कितना हो जाएगा बेटा 0, इससे कितना हो जाएगा 0, सॉरी मेरे से गलती हो गई थी, ये जो c2 की वैल्यू कंपेयर कराया था c2 इक्वल टू माइनस 20 था, मैं उसको 0 समझ बैठा था, ठीक है, तो मैंने c2 की जगह क्या रख दिया माइनस 20, देन 0 अपॉन 20 इज अ 0, ठीक है, देन कंडीशन इज सेटिस्फाई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ग्राफ, ग्राफ में इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, क्या इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अगर मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, एल्जेब्रिक फॉर्म में ऐसे समझाना चाहूं कि इसको एग्जैक्टली बोलेंगे क्या, तो इसको बोलेंगे जो ग्राफ के हेल्प से आप क्या स्टेटमेंट देंगे, इसको बोलेंगे एग्जैक्टली, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या क्या बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या आपको क्या बोलेंगे यूनिक, यूनिक मीन सिर्फ एक, सिर्फ एक। अगर बेटा इसके ग्राफ की मैं बात करूं तो इस टाइप का जो ग्राफ आएगा, मैं छोटा छोटा बना रहा हूं क्योंकि स्पेस की लिमिटेशन है, तो बेटा इसका जो ग्राफ होगा ये ऐसा आएगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ये ऑलरेडी हमने केस आपको इससे पहले बताया जैसे इंटरसेक्टिंग, ठीक है, दो लाइन इंटरसेक्ट। सेकंड जो केस है, अगर मैं इसमें भी कंपेयर कराऊं ए वन, ए वन टू, बी वन थ्री एंड सी वन माइनस नाइन, जैसा मैं ए वन को टू से थ्री बी वन एंड कॉन्स्टेंट सी वन इज अ माइनस नाइन, और इसको ए टू, ए टू इज अ फोर एंड बी टू इज अ सिक्स एंड सी टू इज अ माइनस 18, यही होगा, तो आप इसको ए वन ए टू क्या हो जाएगा 2/4, दिस इज 1/2, और बेटा इसको कैंसिल टू टाइम्स कर देंगे, और ये कितना 3/6, दिस इज ऑल्सो 1/2, इस कैंसिल हो जाएगा टू टाइम, और इसको थर्ड जो है माइनस 9/18, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई टू टाइम्स, देन 1/2, तो इससे क्या आया 1/2, ये भी क्या आया 1/2, और ये भी क्या आया 1/2, आ रहा ना 1/2 तीनों, अगर तीनों अगर कंपेयर करा दें तो आप ऐसा बोल सकते हैं ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू तीनों इक्वल हैं। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो इस टाइप के जो केस होता है उसकी लाइन को क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक बैठा है, यही यही बोलते हैं कुछ और, ठीक है, यही बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अगर मैं इसको एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन करूं कि इसमें होता है क्या है, तो इसमें कितने सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइट मेनी, कैसे सॉल्यूशन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट या दूसरा नाम मेनी सॉल्यूशन, क्या मेनी सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन ग्राफ कैसा आएगा, इसका एक लाइन ये है, दूसरी लाइन भी बेटा इसी के ऊपर है, दूसरी लाइन भी, तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जिस पर दो लाइन टच, या ये केस, ये केस, एक मार्कर के ऊपर दूसरा मार्कर बेटा कई सारे पॉइंट है जिसपे टच कर। और जो थर्ड केस है बेटा, थर्ड केस देखें, इसमें ए वन क्या होगा 1, बी वन 2 एंड सी वन इज अ माइनस 4 एंड ए टू इज अ 2 एंड बी टू इज अ 4 एंड सी टू इज अ माइनस 12। अगर मैं ए वन ए टू को कंपेयर करूं 1/2 एंड ये हो जाएगा 2/4, ये कैंसिल होने के बाद आएगा 1/2 एंड सी वन सी टू माइनस 4/12, ये कैंसिल होने के बाद ये आएगा 3 टाइम्स एंड 1/3, तो आप इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको 1/2 और इसको क्या लिख सकता है आप 1/3, ये लिख सकता है, ठीक है, और इसको आप क्या बोल सकते हैं, अब जरा देखें ए वन ए टू इक्वल टू बी वन बी टू एंड डज नॉट इक्वल टू सी वन सी टू, इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा, इस टाइप के सॉल्यूशन को मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप क्या बोलेंगे, जो लास्ट बचा है जिसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस, इसको क्या बोलेंगे पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, और इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, मतलब इसको बोलेंगे क्या, ये जरा देखें, ठीक है, अगर पैरेलल लाइन होती है तो इसके सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, दिस इज नो सॉल्यूशन, क्या होगा दिस इज नो सॉल्यूशन। और बेटा अगर इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें तो जैसे ग्राफ मैंने बना दिया तो एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, देखें ये लाइन इसके पैरेलल है बट ये लाइन कहीं पे इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सो इट इज अ नो सॉल्यूशन, दिस इज अ नो सॉल्यूशन, दिस वन इज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दिस इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने आपको
ये और यही वो घुमा अप एंड डाउन करके पूरी छह एक्सरसाइज निकाल दिया सिर्फ इन्हीं तीन कंडीशन पे बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन है। समझ आया? अगर अगर मैं बोलूंगा कंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा है और इनकंसिस्टेंट कौन सा है, इनकंसिस्टेंट को ध्यान रखें कि जो नो सॉल्यूशन होता है वही क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। क्या? इनकंसिस्टेंट। और बस आप दोनों को याद नहीं रखें, क्या करेंगे, इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन और बाकी जो बचा होगा वो क्या हुआ, कंसिस्टेंट। इसके अलावा आप सेकेंड थर्ड फोर्थ सारी एक्सरसाइज करेंगे सब कुछ यही है, कुछ भी अलग नहीं है और इस कंडीशन से बेस्ड क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का 100%। ठीक है ना? ओके, आज की कहानी को मैं यही खत्म करता हूं। ठीक है, कल मैं मिलता हूं आपसे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आप देखें। अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपसे, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें भी आपको किससे निकालना, अभी मैं सॉल्यूशन किससे आपको सिखा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से। अभी मैं आपको सॉल्यूशन, हमने आपको सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन दो टाइप से बताया। पहला टाइप क्या बताया मैंने, पहला टाइप क्या होता है, ग्राफिकल, एंड एनदर वन इज एल्जेब्रिक मेथड। ना एल्जेब्रिक मेथड हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, ग्राफिकली। ठीक है ना? तो ग्राफ हमने आपको सुबह ग्राफ बनाए भी कि पहला लाइन का क्या होता है, नो सॉल्यूशन का क्या होता है, इनफाइनाइट का क्या होता है, उनकी कंडीशन क्या होती है, उनपे बेस्ड अभी मैं क्या करा रहा हूँ क्वेश्चन। इससे पहले मैंने वो कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, पिछला क्वेश्चन, पिछला चार क्वेश्चन मैं इसी से करा रहा हूँ आपको ग्राफ के। तो ग्राफ से कैसे आंसर आएगा आप ही सीखेंगे। ठीक है, अभी आपको इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को देख के, बस ग्राफ फाइंड आउट करने के लिए, ग्राफ को डिजाइन करने के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ना कि आंसर फाइंड आउट करने। ठीक है, तो अब इधर देखिए, बोला है कि 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th, कितने क्लास 10th में कितने बच्चे हैं, 10। तो पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज, एक क्यूज है, कॉम्पिटिशन है, क्विज, उस मैथमेटिक्स का क्यूज है, उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10, 10th के 10 लड़के। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, लड़कियां कितनी है, 4, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 नहीं है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितना ज्यादा है, 4। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्यूज। इस क्यूज में कितना लोग पार्ट करेगा, कितना लड़का और कितनी लड़की, ठीक रहेगा ना, ये आपको पढ़। और क्लास डाटा किसका है, क्लास 10th का, जिसमें टोटल बच्चे कितने हैं, 10, और लड़कियां कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, अगर मतलब बॉयज 4 हैं तो लड़की 8 हैं, लड़की 6 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 10, लड़के 2 हैं तो लड़की 6 होंगी। समझ में आया, ये कहानी है। तो आपको आपको ये बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या, कितना लड़का और कितनी लड़की होंगी। तो आप इसको कैसे जनरेट करें इक्वेशन को, ये आपको मैंने आपको इससे पहले भी 3-4 क्वेश्चन कराए, इक्वेशन को जनरेट करके करना सिखाया ना, तो दो इक्वेशन आएंगे, दोनों को कैसे जनरेट, कोई बताए। आप इसमें क्या करें, नंबर ऑफ बॉयज को आप क्या ले लें, नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज और गर्ल्स एक क्लास में कितने हैं, 10, कंडीशन हो गए ना डिजाइन, बॉयज कितने हैं और गर्ल्स के मिला के टोटल कितना है, 10। और एक कंडीशन ये है ना, पहली तो 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी है, इफ द नंबर ऑफ बॉय और नंबर ऑफ द गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, एंड अगली कंडीशन है, तो गर्ल्स कितनी ज्यादा है, 4, तो बाय इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम किससे ज्यादा है, तो ये बॉयज को क्या ले सकते हैं, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने, 4, एक्स, एक्स प्लस कितना हो जाएगा, बाय इक्वल टू एक्स प्लस 4, एक्स इज द नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4 दिस इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स, दिस इज द कंडीशन नंबर सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्स इज द नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4 क्यों किया, उसने लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज
फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से चार ज्यादा मतलब प्लस, ठीक, फोर लेस होता तो माइनस फोर हो जाता, ये कंडीशन नंबर। अब इनको ग्राफ पेपर पे क्या करना है, प्लॉट। तो सबसे पहली कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू टेन, डब्बा बनाना है, क्या बनाना है डब्बा, और डब्बे में x और y का वैल्यू क्या रखना, तो x का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू जीरो तो x का वैल्यू टेन, यही आएगा। अगली क्या इक्वेशन बेटा, इसमें भी एक डब्बा बनाना है, जल्दी से आप बोले, x का वैल्यू जीरो रखेंगे, y का वैल्यू फोर, y का वैल्यू जीरो तो x का वैल्यू माइनस फोर। अब इसको किस पर प्लॉट कर देना है, ग्राफ पेपर पे, किस पर प्लॉट कर देना है, तो अब देखो ग्राफ, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो मैंने एक ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट किया, इसको 1 2 3 4 5 6 7, अभी अभी भी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अच्छे से पढ़े, इजी लिखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ, किससे ज्यादा है, लड़कों से चार लड़कियां ज्यादा है, तो लड़का अगर x है तो लड़की प्लस 4 करेगा, लड़की का डाटा क्या है, लड़का प्लस 4, ठीक है, इधर देखिए ये बेटा, ये x एक्सिस, एक y एक्सिस, इस पे x इक्वल टू 0, अब जरा देखें इसको, सबसे पहला कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, x का वैल्यू 0 किस पॉइंट पे आता है, यही होगा, जीरो कॉमा 10। अगला बेटा, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0, ये कहां पे आएगा, यहीं पे, इन दोनों को ज्वाइन कर दें, कर दिया ज्वाइन, कर दिया, अच्छा अगला बेटा क्या लाइन है, बाई एक्स के वैल्यू 0, बाई की वैल्यू 4, एक्स के वैल्यू 0, बाई की वैल्यू 4, यही है, एक्स का वैल्यू माइनस 4 और बाई का वैल्यू 0, यही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब देखें आप इसको क्या करेंगे, आप इसको ये सॉल्यूशन, ये पॉइंट निकालें, इसको आप डॉट 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 कर दें तो सारी कहानी अच्छे से आपको आ जाएगी, ठीक है, देखते देखें ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बोला ना, तो कितना आ रहा, 3.7 आ रहा है ना, इससे कितना आ रहा है पॉइंट, ये आ रहा 3.7, तो 3 इसमें क्या है, x और y इज 7, तो नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज कितना है, बॉयज इक्वल टू 3 और गर्ल्स इक्वल टू 7, आ गया आंसर, आप इसे पुट करके देख लेंगे, ये आएगा 3.7, ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक अगला मतलब इसी का एक मैंने एक फर्स्ट पार्ट लिखा था, ये बी पार्ट भी लिखूंगा, उसको भी आपको अच्छे से सॉल्व करा दूंगा, ये समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है बेटा। अगला मैं इसका सेकंड पार्ट भी मैं लिखा आपके सामने, इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50, मतलब 5 पेन और 7 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य कितना है, कॉस्ट कितना है 50 रुपीज, वेयर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट इज 46 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड दैट ऑफ पेन, समझ आ गया, मींस आपने पेंसिल को क्या ले लिया बेटा, यहां पे x ना,
और टेन को क्या ले लिया, कॉस्ट ऑफ, एंड कॉस्ट ऑफ पेन का क्या ले लिया, वाई। तो बेटा ये दोनों मतलब पांच पेंसिल और सात पेन का कॉस्ट कितना मिला के 50 रुपीज ना। तो बेटा एक कॉस्ट कॉस्ट ऑफ पेंसिल है एक्स, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेन। तो बेटा कॉस्ट ऑफ फाइव पेंसिल कितना होगा, फाइव एक्स, और कॉस्ट ऑफ सेवन पेन क्या होगा, सेवन बाय सेवन। तो एक और इन दोनों का कॉस्ट मिला के कितना है 50। तो क्या लिख सकता है, फाइव एक्स प्लस सेवन बाय इक्वल टू 50। लिख सकता है कि नहीं, ये कि नहीं लिख सकता है। अब इधर देखें अगला बेटा, फिर और एक एक पेंसिल का कॉस्ट एक्स है, तो कॉस्ट ऑफ सेवन पेंसिल कितना होगा, सेवन एक्स। बेटा कॉस्ट ऑफ फाइव पेन कितना होगा, फाइव बाई, इन दोनों को अगर मिला दें तो कितना हो जाएगा, सेवन एक्स प्लस फाइव बाई इक्वल टू 46। सही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर वन और एक क्वेश्चन नंबर टू, इसका जो सॉल्यूशन निकालना है वो बाय हेल्प ऑफ ग्राफ निकालना है। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना, मैं पहले बहुत आसानी से आपको सिखाया था, तो आप ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेना डब्बे बना के, सही रहेगा ना। अच्छा इसका डब्बा बनाया जल्दी से, तो बेटा एक्स और वाई की वैल्यू बताएं इसमें क्या आएगी, एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50/7, 50/7। वाई का वैल्यू जीरो रखेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 10। यही आएगा बेटा इक्वेशन। इसमें अगर डब्बा बनाए तो अगर एक्स का वैल्यू जीरो रखे तो वाई का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 46y5। और ये y का वैल्यू जीरो रखे तो x का वैल्यू 46y7। यही होगा। अब इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देना है बेटा। कहां से कहां कोऑर्डिनेट लें, कोऑर्डिनेट बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है ना। अच्छा मतलब 10 के समथिंग, 10 एक ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 सब कुछ लिख दिया। अब पहला कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की वैल्यू जीरो, देन वाई का वैल्यू 50/7। एक्स का वैल्यू किस एक्सेस पर रहता है, वाई एक्सेस पे, और 50/7 लगभग कितना होगा, 7 point something। तो ये यहाँ पे कहीं आएगा 0, 50/7, यही कहीं आएगा ना ये पॉइंट। अगला पॉइंट है एक्स का वैल्यू 10 है, वाई का वैल्यू 0, यहाँ कहीं आएगा, इन दो को आप ज्वाइन कर देंगे तो ऐसे ही आएगा। अच्छा अगला वैल्यू x का वैल्यू 0, y का वैल्यू लगभग कितना आएगा, लगभग 9 point something। x का वैल्यू 0, y का 9 point something, मतलब यहां पे 0, 46y5। यही होगा। और बेटा इसमें क्या करेंगे आप, इस वाले में इसमें सॉरी अगला पॉइंट x y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 46y7, ये 46y7 कितना होगा, 6 point something, मतलब यहां कहीं होगा। इन दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे, कर दिया ना मैंने ज्वाइन। अब आपको आप जल्दी से आप ग्राफ से बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा ग्राफ को देख के, ठीक है। तो आप जरा देखेंगे इसको ध्यान से, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वर्टिकल लाइन 3 पे मीट कर रही और हॉरिजॉन्टल लाइन किस पे मीट कर रही, 5 पे आ रही ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3, 5, 3 इज एक्स एंड 5 इज वाई ना। और ये एक्स किसको दिया था आपने, एक्स इज कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, और वाई इज कॉस्ट ऑफ पेन। ये आपका बेटा क्या है आंसर,
ठीक है ना, 3.5, ये कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज 5। तो ये मैं जितना भी क्वेश्चन कराया, बहुत सारा कराया, मैं कम से कम 8-10 क्वेश्चन कराया, किसका, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं और ग्राफ की कंडीशन क्या होती है, ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं विदाउट एल्जेब्रिक मेथड से। तो ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना, अगर आप इतना कर लेंगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगला कुछ सीखने की। ठीक है, अब मैं जो अगली क्लास, मतलब अभी एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है, दो तीन को, मतलब मैक्सिमम मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन कराने के बाद मैं जो अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो होगा किससे सॉल्व, ये ग्राफ से कर रहा हूं वो एल्जेब्रिक मेथड से होगा, बस एल्जेब्रिक मेथड पढ़ेंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो अभी मैं दो क्वेश्चन, मतलब 4-5 क्वेश्चन इस क्लास के बाद करूंगा। बेटा अगला जो मैं क्वेश्चन लिखा हूं वो लिखा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2, फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, मींस इंटरसेक्ट कर रही या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, आपको सिर्फ ये बताना है। ठीक है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन क्वेश्चन लिखे, तीनों से एक इंटरसेक्टिंग आएगी, एक पैरेलल आएगी और एक क्या आएगी, एक कोइंसिडेंट है, इसलिए मैंने तीन क्वेश्चन किए, आप तीनों एक साथ करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो इधर देखें, सबसे पहले पहला स्टेप, इससे पहले मैंने इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का क्वेश्चन कराया था और ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है कि इंटर एट अ पॉइंट पे पैरेलल है कोइंसिडेंट है, समझ में आया, तो उससे भी आसान है। तो इसको सबसे पहले किस इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, इन जितना भी क्वेश्चन है इसको इस सिस्टम A1x B1y + C1 = 0 एंड A2x B2y C2 = ये तो बिल्कुल याद कर लेना कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, अगर ये याद नहीं कर पाएगा तो आप आंसर नहीं आएगा। अब अगर कंपेयर कराएं A1, जल्दी से बोले A1 B1 C2, इसमें वैल्यू क्या है, A1 = कितना है, क्या इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सब इक्वल टू क्या लिखा है, 0, मतलब राइट में कुछ भी नहीं, अगर कुछ लिखा होता तो उसको लेफ्ट में लाते, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी राइट पोर्शन में नहीं लिखा है, तो इसको कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं। ए का वैल्यू कितना आएगा 5। बेटा बी को कंपेयर कराएं इससे तो B1 की वैल्यू कितने आ जाएगा -4, सी को कंपेयर कराएंगे तो कितना आ जाएगा 8, इसी तरह बेटा A2 को कंपेयर कराएंगे तो 7, बेटा B2 को कंपेयर कराएंगे और C2 को कंपेयर कराएंगे, समझ में आ गया। अच्छा आप देखें, अब रेशियो लिख लें, आप आंख बंद करके सिर्फ रेशियो लिखना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब जरा आप एक गैस करें, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, कुछ कॉमन से हो रहा है क्या, हाँ ये हो रहा है, ये 2 टाइम नहीं, ये भी नहीं जाएगा ना, कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रहा, क्या ये इक्वल है, क्या कोई भी इक्वल है, कोई भी पेयर नहीं है, तो ये क्या डज नॉट वाली कंडीशन है। अगर ये कंडीशन होती है कि अगर A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 B2, तो उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते थे, कंडीशन को क्या बोलते थे, इंटरसेक्टिंग, यही बोलते थे ना, या उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्या बोलते थे, तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये कंडीशन A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 B2 C1 C2, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग, या इसको बोलेंगे यूनिक, लेकिन आपको इन तीनों में से करना है, तो ये कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब बेटा इसी इक्वेशन को इस लाइन से अगेन कंपेयर करा दें, तो इसमें A1 क्या होगा, B1 क्या होगा, यही होगा ना, A2 क्या होगा, B2 क्या होगा और C2 क्या होगा, यही होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा 9/18 A1 A2 B1 B2 3/6 और बेटा C1 C2 क्या होगा 12/24, यही ना, कुछ कैंसिल हो रहा है ना, इसको इससे, इसको इससे, कितने टाइम 1/2 और A2 1/2 1/2, ये तीनों इक्वल आ रहा है, ये तीनों अगर इक्वल आता है A1 A2 B1 B2 और C2 C1 C2, तो इस टाइप की कंडीशन को क्या बोलते हैं,
इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को बोलते हैं को इंसिडेंट, यही ना, को इंसिडेंट सॉल्यूशन, को इंसिडेंट, ठीक है ना। और बेटा जो लास्ट केस है इसको भी ऐसे कंपेयर कराना है, इसमें ए वन कितना है 6, वी वन क्या है -3, सी वन कितना है 10, ए टू क्या है 2, वी टू क्या है -1, और सी टू क्या है 9, यही ना। तो 6/2 -3/-1 एंड 10/9, ठीक है ना। तो ये बेटा इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने 3 टाइम्स किया, तो ये 3/1 डज नॉट इक्वल टू 10/9 यही होगा। और ये लास्ट कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन होती है, A1 A2 B1 B2 डज नॉट इक्वल टू C1 C2, ये कौन सी कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन या पैरेलल। तो इसमें क्या पूछा आपसे, पैरेलल, ये लाइन क्या है, पैरेलल, और इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तो आपने देखा एक इंटरसेक्टिंग, दूसरा कोइंसिडेंट, तीसरा पैरेलल। बेटा अगर पैरेलल होता है तो इसमें नो सॉल्यूशन आता है, कोइंसिडेंट होता है तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, और इंटरसेक्टिंग होता है तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन आता है। अभी सॉल्यूशन की तो मैंने बात ही नहीं की, मैं तो पहले जो पढ़ाया उसमें आपको रिप्रेजेंट करना सिखाया, अब जब रिप्रेजेंट हो गया तो फिर मैंने उसके आपको ये बताया, उसके मतलब जो फिगर जो आपको रिप्रेजेंट किया कि वो लाइन है कैसी, वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट, उनकी मतलब कैसे कैसे आपको दिख रही है, सिर्फ आपको ये बताया ना। एक अगर ये हो जाएगा तो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग उसमें क्या पढ़ेंगे कि ये इसके अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर ये कोइंसिडेंट है इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल मींस नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, लेकिन इनका सॉल्यूशन क्या होंगे आपको फाइंड आउट करने होंगे अगले चैप्टर में। समझ में आ गया, आज मैंने जो आपको पढ़ाया मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये पढ़ाया, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट के अंदर क्या क्या आता है, इनकंसिस्टेंट के अंदर क्या आता है, होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस क्या होता है, ठीक है। तो बेटा ये सब पता है, होमोजीनियस मतलब जो कॉन्स्टेंट टर्म जीरो हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस, ठीक है। और मैंने दो क्वेश्चन के थ्रू इन सबको आपको समझा, और एक चार्ट के थ्रू पहले मैं इसको बहुत अच्छे से समझा। अगर आप ये समझ गए तो ये बोर्ड में पक्का एक क्वेश्चन आना है, 100% 500% आना है, एक क्वेश्चन आएगा ही, समझ रहे, कोई इसे टालेगा नहीं अगर इस कंडीशन को आप पढ़ ले। और यही बेटा जो 10th है, यही आप आगे क्लास में जाएंगे 12th में, वहां भी लीनियर प्रोग्रामिंग में भी इसी को पढ़ना पड़ेगा, तो इसको आप अभी बहुत अच्छा पढ़ लेगा, और 11th ही पढ़ना है, 12th में लाइफ टाइम पढ़ना है, समझ में आया, ठीक है। तो आज की कहानी को मैं यही खत्म करता हूँ, ठीक है ना, और फिर मैं ब्रेक के बाद पढ़ाऊंगा। बेटा मैंने इसका पहला क्वेश्चन आपको कराया, दिस इज़ अ क्वेश्चन, कौन सा है, थर्ड ही है ना आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ाया, आज मैं सेकेंड थर्ड फोर्थ भी कराता हूँ। इसमें आपसे बोला ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1A2 A1 upon A2 B1 B2 C1 C2, find whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। हमने आपको लास्ट से लास्ट क्लास में पढ़ाया था कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। सबसे पहले मैं कंसिस्टेंट की बात करता हूँ, मैं कहाँ यहाँ पर बता दे रहा हूँ, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यही ना। कंसिस्टेंट कौन सा सोल्यू, इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सोल्यू, नो एक ही कंडीशन आती है, और कंसिस्टेंट में यूनिक और इनफाइनाइट, यूनिक एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यही ना, यही होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको बताया था, मतलब पहली क्लास ली थी जिस दिन, उस दिन बताया था, तो आपको यही बताना है कि यूनिक और इनफाइनाइट क्या, आपको कंडीशन पता होना चाहिए यूनिक क्या। सबसे पहले मैं तीनों की कंडीशन लिख दे रहा हूँ और आप ए बी सी डी निकालेंगे खत्म हो जाएगा। जो क्या होती है कंडीशन तीनों की लिख रहा हूँ मैं, कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 और C1 C2 A1 A2 B1 B2 और C1 C2।
ठीक है, ये तीन। अब देखें सबसे पहले कंडीशन डज नॉट, ए वन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन बी टू, इस टाइप की कंडीशन होती है, इसको क्या बोलते हैं? यूनिक यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड, ए वन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन बी टू, इस टाइप के को क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और थर्ड, ये तीनों बराबर, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, इसमें ये सब होगा इनकंसिस्टेंट, क्या इन इन मींस नो, ऐसे याद रखें, इनकंसिस्टेंट मींस नो, बाकी दो कंसिस्टेंट मतलब यूनिक एंड इनफाइनाइट। तो सिर्फ आप एक ही चीज याद करना वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, आप क्या याद करेंगे? इनकंसिस्टेंट मींस नो और बाकी कंसिस्टेंट, बस इतना से याद। अगर आप दोनों को याद करने लगेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब बात उठती है ए वन ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू है क्या, ये बेटा स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है क्या? ए वन एक्स एक्स बी वन प्लस सी, यही होता है बी वन वाई, बी वन वाई और सी वन। कोफिशियंट ऑफ एक्स को ए बोलते हैं, कोफिशियंट ऑफ वाई को बी बोलते हैं, और कॉन्स्टेंट को सी बोलते हैं, और सी इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। आप जल्दी से कंपेयर करा लें इस इक्वेशन को, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन है कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करेगा तो आप क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो, एंड सॉरी गलती लिख दिया था मैं, फोर एक्स और क्या लिख दें बेटा आगे, सिक्स वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। अब आप ए वन ए टू जल्दी से बताएं, इसमें ए वन इज अ टू, बी वन इज अ माइनस थ्री एंड सी वन इज अ माइनस एट, ए टू इसमें क्या है फोर, बी टू क्या है माइनस सिक्स एंड सी टू इज अ माइनस नाइन, यही है दोनों इक्वेशन में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप क्या करेगा, इधर देखो रेशियो ए वन ए टू इस वाले में पुट कर दो किसी में भी, नो सॉल्यूशन, पहले किसी में भी आप पुट कर दो बस इन इक्वेशन, तो टू अपॉन फोर आपको नहीं पता ना क्या है, पहले तो आप इसको नहीं लिखेंगे फिर देखेंगे, इसने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है ना, और ये कितने टाइम जाएगा टू टाइम, और ये कितने टाइम जाएगा टू टाइम, ये जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं वन बाई टू इक्वल टू वन बाई टू इक्वल टू ये फोर टाइम, नहीं ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, एट अपॉन बेटा ये दोनों इक्वल है, इट डज नॉट इक्वल है, इट डज नॉट इक्वल, तो इस तीन में से कौन सा टाइप है, नो सॉल्यूशन, अगर नो होगा तो कौन सा, दिस इज इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट अगर समझ, पहले आप इक्वल कर देंगे फिर देखेंगे इन तीन में से कौन सा किसको फॉलो करता है, देन आप बोलेंगे कि यूनिक है, और इसके बेसिस पे अगर नो होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, ऐसे ही आप याद रखेंगे। सेकेंड, सबसे पहले इसको बेटा क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, सबसे पहले क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, स्टैंडर्ड क्या होता है, थ्री बाई टू एक्स फाइव बाई थ्री बाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, नाइन एक्स माइनस टेन बाई माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो, यही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा इसमें ए वन ए टू क्या, ए वन थ्री बाई टू बी वन फाइव बाई थ्री और सी वन माइनस सेवन, यही होगा, और ए टू नाइन बी टू माइनस टेन एंड सी टू माइनस, यही है। अब बस उठा के इसमें पुट कर दें तो थ्री बाई टू अपॉन नाइन और फाइव बाई थ्री अपॉन माइनस टेन एंड माइनस सेवन माइनस, यही होगा। इसको सॉल्व करेगा आप तो थ्री टू इंटू नाइन और ये फाइव थ्री इंटू माइनस टेन ना, और ये माइनस सेवन अपॉन माइनस 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 कैंसिल सेवन अपॉन फोर्टीन, यही होगा। अब आप इसको सॉल्व कर दें, ये थ्री टाइम्स आएगा तो ये कितना हो जाएगा वन बाई सिक्स, और ये क्या हो जाएगा इसको कैंसिल टू टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन वन माइनस सिक्स और ये वन बाई ये टू टाइम्स ना, तो ये कोई इक्वल आ रहा, ये भी डज नॉट और ये डज नॉट, अगर ये डज नॉट है तो किस इक्वेशन को, फर्स्ट को या सेकंड को, फर्स्ट को यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि हम पहले फर्स्ट देखेंगे ना, उसमें वो दोनों इक्वल। अच्छा ये फर्स्ट नहीं देखेंगे, समझ में, आप इसके बेसिस पे, हाँ इसके बेसिस पे देखेंगे ये इक्वल और नहीं हो सकता है, समझ रहे इसकी, तो इसको देखेंगे तो इन दोनों में से इसको ये सेटिस्फाई कर रहा तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक।
यूनिक, और यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, ठीक है, ये कंसिस्टेंट क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट हो गया। अब इस थर्ड पे आते हैं, ये क्या होगा, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 माइनस 10x प्लस 6y माइनस 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 प्लस, और इसमें a1 5 b1 माइनस 3 एंड c1 इज अ माइनस 11, और बेटा a2 माइनस 10 b2 6 और c2 22, तो a1 a2 5 अपॉन माइनस 10 और माइनस 3 अपॉन 6 और माइनस 11 अपॉन ना, इस फिर से कैंसिल करेंगे कितने, 2 टाइम्स ए भी 2 टाइम्स और ए भी 2 टाइम्स आ जाएगा ना, तो माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू माइनस 1 बाई, ये तीनों इक्वल, कौन सी कंडीशन, इनफाइनाइट मीन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, यही सॉल्यूशन है इसके, देखा आपने, दिस इज कंसिस्टेंट, ठीक है, ये तीनों आपको। अब हम अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड की तरह है, इसने बोला अगर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, और स्लैश लगा के इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन, अगर कंसिस्टेंट है तभी आपको सॉल्यूशन निकालना बाय हेल्प ऑफ ग्राफ, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन का ग्राफ होगा ही नहीं। अब देखें आप पहला केस, इसको सबसे पहले क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, कर लिया, अच्छा बेटा इसको 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही होगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 5 2 कॉमन ले लें तो x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस, दिस इज इक्वेशन 1 दिस इज द सेकंड, ठीक है ना, ये दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं। अब ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a1 a1 ऑन कंपेयरिंग a1x b1 बाय c1 इक्वल टू 0 इससे ना, जल्दी से बोलें, इसमें a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 b1 1 और c1 -5, इसमें a2 1 b2 1 और c2 -5। अब आप रेशियो रख दें 1 by 1 और -5 by -5, बेटा ये सब एक कैंसिल हो गया, ये भी वन वन बाई वन आ रहा, तो वन इक्वल टू वन इक्वल टू वन, तीनों बराबर आ रहे हैं, अगर ये बराबर आ रहा तीनों तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते थे, अच्छा इनफाइनाइट, ये कंसिस्टेंट होता था, इनकंसिस्टेंट, दिस इज अ कंसिस्टेंट, दिस इज अ ये होगा कंसिस्टेंट, क्यों होगा कंसिस्टेंट, क्योंकि जो सारे इक्वल आ रहा है कंसिस्टेंट है, और ये पहला सॉल्यूशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि सारी कंडीशन इक्वल है, सब कुछ अच्छा सब कुछ इक्वल है, इक्वल है, तो लाइन एक के ऊपर एक होगी या पैरेलल होगी, एक के ऊपर एक, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जरा देखिए इसके ग्राफ भी मैं बना रहा हूं, ठीक है, अभी सिर्फ मैं क्या बनाया, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बता रहा हूं, ठीक है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, या हम इसको सॉल्व ही कर दे रहे हैं पूरा, अच्छा सॉल्यूशन, तो अब इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, इसका ग्राफ बनाने जल्दी से बताएं, ग्राफ, अच्छा ग्राफ डब्बे बनाएंगे, डब्बे बनाएंगे, अच्छा ठीक है, दो इक्वेशन x प्लस y, ये दोनों इक्वेशन तो सेम है, हाँ। तो किसी एक इक्वेशन को बनाना, हाँ। क्या x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, एक डब्बा बनाए, डब्बे में एक बार x को 0, एक बार y को, x को 0 रखेगा आप तो y का वैल्यू कितना आएगा, 0 बाय माइनस 5, तो 5 इस तरफ तो ये 5, और y को 0 रखेगा तो x की वैल्यू 5, यही है। अब यहाँ पे आपने 9th में भी ग्राफ ड्रॉ करना सीखा, इसको आप क्या बोलते हैं x एक्सिस, इसको आप क्या बोलते हैं y
कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे इसको प्लॉट कर देंगे, कौन सा पॉइंट 0.5 और 5.0। नंबरिंग किसके बेसिस पे करते हैं आप, जो हाईएस्ट। हाँ देख लेते हैं कि क्या है 0.5। ये एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू, इस वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0, इस पे वाई क्या होता है 0, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 5, ये पॉइंट होगा दिस 0.5 एंड एक्स इज द 5 एंड वाई इज 0, वाई का वैल्यू 0 एक्स एक्सिस पे है तो सिर्फ एक्स की वैल्यू 5 देखेंगे, 5 राइट साइड में होगा इज द 5.0। इन दो पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे, इन दो पॉइंटों को ये ग्राफ आ गया ना। अब बेटा ये तो है फर्स्ट का और सेकंड भी सेम है, तो सेकंड वाली लाइन इसी के ऊपर आएगी, क्योंकि एक ही तो लाइन है, एक ही लाइन है ना, है ना। तो ऐसे कितने पॉइंट पे कट करेगी, इनफाइनाइट पॉइंट। कितने पॉइंट होंगे, ये एक के ऊपर एक लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन, इनफाइनाइट पॉइंट। यहां 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 जितना भी पॉइंट करो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हो गए, इससे इनफाइनाइट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इधर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन इसको पहले स्टेप क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया। अब क्या करें बेटा इसके बाद, जल्दी बोले, एबीसी ए वन क्या है 1, बी वन माइनस 1, सी वन माइनस 8 और ए टू 3, बी टू सी टू। अब आप क्या करें, जमा के रख दें, ए वन अपॉन यही रिलेशन है पहले रख दें, फिर आप देखेंगे है क्या, ये माइनस माइनस सब उड़ा देगा, ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/2, ये इक्वल, ये डज नॉट इक्वल। अगर ये डज नॉट इक्वल आता तो सॉल्यूशन क्या आता है, नो सॉल्यूशन। ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन में वैसे ग्राफ कैसे आता है, पहले लाइन आती है, दो लाइन आती है जो कट नहीं करती, इसलिए उसको बोलते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब बेटा हम थर्ड और फोर्थ की तरफ जाते हैं, ये हो गए, तो इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, उसने बोला अगर कंसिस्टेंट है तभी आपको बनाना है, ठीक है। तो इनको क्या कर दें, बस कर दें दोनों को, कर दें क्या। अब अगले दो क्वेश्चन देखेंगे आप, बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला उसने 2x, यहां पर लिख देते हैं 2x plus y minus 6 equal to 0। अगला क्या है, 4x minus 2y minus 4 equal to 0। यही है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आपका काम थोड़ा सा आसान हुआ कि नहीं हुआ। a1 is a 2, b1 is a 1 and c1 is a minus 6, a2 is a 4, b2 is a minus 2 and c2 is a minus 4। अब आप a1 a2 क्या करेगा, 2y4 1/-2 -6 अपॉन -4, बेटा ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन -2 और ये माइनस से माइनस उड़ जाएगा 3/2। क्या ये इक्वल आ रहा है, ये भी नहीं, तो इस टाइम ये सॉल्यूशन कौन सा होगा, यूनिक। यूनिक तो इसमें ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, यूनिक होगा और साथ साथ क्या होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें। अब ग्राफ कैसे करेंगे, इस लाइन के डब्बा अलग बनाएंगे आप और अगली लाइन के डब्बा अलग। अगर x को 0 रखेगा तो x इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, 2 इनटू 0 प्लस y, यही ना, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 6। बेटा अगर y को 0 रखेगा आप इसमें, y इक्वल टू 2x 0 -6 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2 इज अ हो गया। अब आप इसको ऐसे डब्बे बना दे दो जल्दी से। अब बताएं बेटा x का वैल्यू 0 रखेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, y का वैल्यू -2, 4 * 0 -2y -4 = 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2y, यही माइनस इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, +1। ठीक है, अब आप इसका क्या करेंगे बेटा, ग्राफ यहां बना देते हैं हम,
बेटा इधर देखें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4, हो गया बेटा। इसको x एक्सिस बोलता है और इसको पहला पॉइंट जीरो, x के वैल्यू जीरो, y के वैल्यू सिक्स। x का वैल्यू जीरो किस एक्सिस पे रहता है? x का वैल्यू जीरो y, तो एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो कॉमा बेटा x का वैल्यू थ्री और y का वैल्यू जीरो, x एक्सिस पे y का वैल्यू जीरो होता है, तो ये क्या हो जाएगा? थ्री कॉमा जीरो, नहीं सही है, इनको क्या कर दें? ज्वाइन कर दिया, ये आपका। अब बेटा ये 9 की इक्वेशन क्या है? 2x plus y minus 6 equal to 0, यही है। अब अगली इक्वेशन की लाइन, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू माइनस, ये y का वैल्यू 2x का वैल्यू 0, यही होगा 0, नहीं सॉरी सॉरी, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू माइनस 2, ये 0 कॉमा x 0 y एक्सिस पे होता है, x का वैल्यू 1 y equal to 0, यही होगा 1,0। अब इनको ऐसे अब देखेंगे, ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर कट हो रही, दिस इज द पॉइंट, सो इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ दो लाइन एक ही पॉइंट पर कट करें। इसको पिछले क्वेश्चन को इनफाइनाइट क्यों बोलते थे? क्वेश्चन नंबर 1 को कई सारे पॉइंट पर कट करती थी और इस पे एक ही पॉइंट पे, और नो सॉल्यूशन पर कट ही नहीं करेंगे, ठीक है? तो दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन और आपको ग्राफ बनाना। अब हम थर्ड फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ उसने बोला है कि इसको भी चेक करना है, तो इसमें जब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड इक्वेशन में है, बस आपको ए वन और बी वन की वैल्यू लिख देना है, क्यों? और ए टू क्या हो जाएगा? 4, बी टू माइनस 4 एंड सी टू माइनस, यही करेगा आप कि और कुछ करेगा? और ये बेटा ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी, तो 1/2 और 2/5, यही ना, ये दोनों इक्वल, ये डज नॉट इक्वल। अगर डज नॉट इक्वल आता है तो कौन सा सॉल्यूशन आता है? देयर इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट। इसका ग्राफ बनाने की जरूरत है? नहीं, अगर कंसिस्टेंट है तब। चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए, इससे आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी सीखे और उसके साथ साथ ग्राफ को प्लॉट करना भी सीखे और उसके साथ साथ कंडीशन पूरे यूनिक नो एंड पहले सॉल्यूशन ये भी सीखे, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होता है, ठीक है? ओके, अब अगला क्वेश्चन करें। पैरामीटर यहाँ तक निकाल लिया, दो इक्वेशन आपके आएंगे, इसके बाद आप इनको प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे, क्योंकि उसने ग्राफिकल सॉल्यूशन पूछा है। तो इन दोनों लाइन का अलग से मैंने ग्राफ बनाने के लिए क्या बोले, एक डब्बा बनाना है, और डब्बे में एक्स वाई तो तीन कॉलम, एक बार एक्स को जीरो रखेगा, एक बार वाई को जीरो। एक्स को जीरो रखेगा तो क्या हो जाएगा? जीरो माइनस वाई इक्वल टू फोर, देन वाई का वैल्यू कितना देगा? माइनस फोर। बाई को जीरो जीरो रखेगा तो यही आएगा एक्स का फोर, यही आएगा। और बेटा इसमें एक्स का वैल्यू जीरो रखेगा बाई के, एक्स का वैल्यू अगर जीरो रखेगा आप इसमें, जीरो बाई 36, ये कितना आएगा? 36। और बाई के वैल्यू इसमें जीरो रखेगा तो कितना आएगा एक्स का वैल्यू? 36 आ गया। अब इसको बेटा अच्छा साफ साफ इस ग्राफ पेपर पे क्या कर देगा आप? प्लॉट। तो ये कितना होगा? 5 10, 5 5 का डिफरेंस ना, ठीक है? ये मेरा एग्जैक्ट ग्राफ थोड़ा मेजरमेंट में 19-20 हो सकता है, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो आपका ग्राफ एग्जैक्ट आएगा, बिल्कुल साफ साफ ना, एग्जैक्ट पॉइंट भी आएंगे। मेरा 19-20 हो सकता है बट आपका नहीं होगा, क्योंकि आप किस पे करेंगे और आप मेजरमेंट एग्जैक्ट लेंगे, ठीक है ना? मेरी तरह नहीं लेंगे क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पे कर रहा हूं। अच्छा, अब x का वैल्यू 0 एंड y इक्वल टू माइनस 4, दिस इज द x एक्सिस, और इस पे क्या 0 होता है? y इक्वल टू 0, ठीक है? इस पे क्या होता है? x इक्वल टू 0, यही ना। x का वैल्यू 0, y इज अ माइनस 4, ये कहीं पॉइंट आएगा? बेटा x का वैल्यू 4, ये क्या हो जाएगा? 0 कॉमा माइनस 4। x का वैल्यू 4 एंड y इक्वल टू 0, यहां कहीं यहीं आएगा,
इन दो को आप ज्वाइन कर देंगे, हो गया ज्वाइन, ठीक है ना। अब बेटा अगला x की वैल्यू 0 बाई से 36, x का 0 बाई से 36 यही होगा, x से 36 बाई से 0 यहां कहीं होगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 36, 0 यही होगा। अब आपके इसको क्या करना है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगी। अब इसको देखो कैसे आप करेंगे, इधर देखिए ऊपर नाम कर रहे हैं, आपको कर दिया बेटा 19 भी सो सकता है, थोड़ा कंप्रोमाइज करेंगे मेरे साथ, ठीक है। इधर देखो इसका वैल्यू लीडर है ये 20 आ रहा और ये वैल्यू 15 से बड़ा आ रहा, देखो ऊपर आ रहा 15 तो यहाँ है, जैसे यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे 20, 16 जैसे x दिस इज अ x इज अ 20 एंड y इज अ 16 बेटा, x x क्या है, x इज अ लेंथ एंड y इज अ और x इज अ 20 एंड y इज अ 16, ठीक है, दिस इज आंसर, दिस इज। अब अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर क्या है, फिफ्थ है कि फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स लिखा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म, पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, पहला लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। मतलब एक लीनियर इक्वेशन है, आपको एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखना है, अगर दो लीनियर पहले इंटरसेक्टिंग वो लाइन हो जाए, फिर वो पैरेलल हो जाए और फिर कोइंसिडेंट, एक है अगली आपको खुद से जनरेट करके। अभी तक दो लाइन इक्वेशन ऑलरेडी देते थे और आपको बताना था कि इंटरसेक्टिंग लाइन कौन है, पैरेलल कौन है और कोइंसिडेंट, जिसको आप बोलते थे इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या जिसको आप बोलते थे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब इसने उल्टा आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप 2x 3y - 8 = क्या ले लेगा, ठीक है बेटा। इसमें A1 equal to क्या 2, this is a standard equation, B1 is a 3 and C1 is a -8। अब एक standard equation लिख लें, A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 बेटा। सबसे पहले intersecting line, सबसे पहले intersecting की condition क्या होती है, ये does not, this is the first case, यही होती है अगर equal है। अब जरा इसको रखें, 2 upon A2 does not equal to 3 upon B2 -8 upon C2 की वैल्यू पता नहीं, नहीं पता। अब आपको A2 B2 C2 अपने से लिखना, अपने से आप क्या लिखना चाहेंगे, अच्छा A2 को क्या मान लें, अच्छा इसको 2 मान लें, इसको 3 तो एंटर, और इसको क्या मान लें, सॉरी B1 को बोले 3 और B2 को 2, A1 को सॉरी ये A1 था, A2 को क्या मान लें बेटा 3 और B2 को क्या ले लें 2, सही है, आपने इसी को इंटरचेंज कर दिया। और C2 को क्या ले लें बेटा, -16 ले लें, -7 लेना चाहेंगे, -7, ठीक है। अब आप पुट करके देख रहे हैं, देखो 2y3 does not equal to 3y2 और this is equal to -8 upon -7, ठीक है ना, ये आ रहा does not equal, इसका equal होना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और ये आपकी कंडीशन हो गई और आंसर। अब एक वैल्यू अगर आपसे लीनियर इक्वेशन लिखना, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ax by c = 0, a2 b2 c2 होगा, तो a2 की जगह 3x, b2 की जगह 2y और c2 की जगह -7 = 0, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब सेकंड केस, अगला लाइन बेटा क्या है, पैरेलल लाइन, अगला लाइन क्या है, पैरेलल लाइन, और पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, a1 upon a2 does not equal to c1 upon c2, यही होता है पैरेलल का कंडीशन, बहुत अच्छे से पता है आपको। अच्छा पैरेलल कंडीशन होता है तो सॉल्यूशन क्या आता है, अच्छा नो सॉल्यूशन आता है, ठीक है। अब जरा देखें ये कंडीशन हो गई a1 और a2 की, इसमें ऑलरेडी निकाल लिया 2 upon a2
3 अपॉन बी टू और माइनस 8 अपॉन सी टू। अब जब आप बोले कि ये दोनों रेशियो सेम आ जाए तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, यहाँ क्या लेना पड़ेगा, ए टू को टू ले लेंगे, ए टू को क्या ले लेंगे टू, क्योंकि टू टू कैंसिल होकर बनाएगा और यहाँ पे बी टू की जगह थ्री लेंगे, ठीक है ना, और इसको कुछ भी ले लेंगे माइनस 12 लेना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 बाई 2, 3 बाई 3, माइनस 8 अपॉन माइनस 12, ये तो बेटा 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये कितना 2 बाई 3, तो 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 बाई 3 ये नहीं है, और ये आपका, तो इससे क्या, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, तो कंडीशन हुई। अब आपको तो लीनियर इक्वेशन एक चाहिए, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ए टू का वैल्यू क्या लिया था आप, 2, तो 2x 3y माइनस 12 इक्वल टू जीरो, दिस इज सॉल्यूशन, आंसर ना। अब बेटा थर्ड पे आते हैं, दिस इज कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर है, एक के ऊपर, जिससे सॉल्यूशन क्या आते हैं इनफाइनाइट, और उसका कंडीशन क्या होता है, a1 a2 b1 b2 और c1 इक्वल होते हैं, डज नॉट इक्वल होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। अब a1 a2 तो ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, 2 अपॉन a2 3 अपॉन b2 और माइनस 8 अपॉन c2, अब ये बराबर कब आएगा, अब इसमें बहुत आसान, सब बराबर ले लो तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, a2 को 4 ले रहे हैं और b2 को 6 और c2 को माइनस 16, आप चाहे थे तो इसको 2 भी ले सकते थे, इसको 3 इसको माइनस 8, तब भी कोई, इससे बेटा आएगा 1 बाई 2, आप लोगों ने बोला इसलिए मैं इसको लिख दिया, आप लोग चाहे थे तो इसको और भी कुछ कर सकते थे, दिस इज 2 टाइम, दिस इज 2, 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2, इसको आप 2 ले देते 3 ले लेता माइनस, तब भी आपको आ जाता। तो आपने इससे देखा है कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन दिस इज कोइंसिडेंट और इसका मतलब, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको तो क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, और इक्वेशन क्या होती है, ए टू एक्स बी टू वाई सी टू इक्वल टू जीरो, ए टू का वैल्यू क्या 4x, बी टू का वैल्यू क्या 6y और सी टू इज माइनस 16 इक्वल टू, दिस इज सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन, हो गया ठीक है, अब करें आप इसको, समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, इसने बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस सेट द ट्रायंगुलर रीजन। मतलब आपको दो लाइन की इक्वेशन दी, इसके हिसाब से आपको ग्राफ बनाना, और जो ये ग्राफ बनेगा वो कौन सा पोर्शन है, ट्रायंगुलर रीजन, तो आपको इसकी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना और एक्स एक्सिस पे वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपको बताना है, ठीक है। तो आप देखो कैसे सॉल्व करें, दोनों इक्वेशन ले लें, सबसे पहले इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए बहुत सिंपल, क्या करना रहता है, डब्बा, और डब्बे के बाद क्या करना रहता है, पुट कर देना, ये जल्दी से, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑलरेडी है, x x का वैल्यू 0 रखेगा तो कितना है 0 माइनस y प्लस 1 इक्वल टू, तो y का वैल्यू 1 है बेटा, और इसका y का वैल्यू 0 रखेगा तो x का वैल्यू माइनस 1, अब बेटा यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 इंटू 3 2 बाई यही माइनस 12, तो y इक्वल टू 12 बाई 2 इज अ 6, एंड बेटा y के वैल्यू 0 रखेगा तो क्या हो जाएगा ये राइट साइड चला जाएगा 12 x इक्वल टू 4, ये कोऑर्डिनेट आ गया आपके। अब इससे ग्राफ ड्रॉ कर दें, कर देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अच्छा कोऑर्डिनेट 6 तक है, ओह माय गॉड, थोड़ा सा काम मेरा और बढ़ गया, हो गया बेटा, दिस इज 0,0, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, बेटा वाई पे क्या होता है एक्स 0 और इस पे क्या होता है वाई इक्वल टू 0, अब पहले इस लाइन को x के लिए 0 y के लिए 0 कब होता है x एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 कॉमा 1 और अगला x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0, ये कितना ये कोऑर्डिनेट दिस -1 कॉमा 0, इन दो को जॉइन कर दिया, कर दिया ये
एक लाइन बन गई, दिस इज अ लाइन x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0. सेकंड, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 0, y का 6, x इज 0, y इज 6, यही होगा ठीक है, x 0, 6. अगला x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू बेटा 0, y इज x एक्सिस पे 0 होता है, 4, 0, कोई दिक्कत नहीं है. अब आपको इनको क्या करना है, दोनों पॉइंटों को मीट कर देना, दोनों पॉइंटों को मीट कर देना और आपका आंसर उससे आ जाना चाहिए. तो इधर देखिए आंसर कैसे आएगा, जल्दी से कर दें, ट्रायंगल ठीक है और ये ट्रायंगल बन गए. अब जरा देखें आपको क्या चाहिए था, ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ट्रायंगल फॉर्म, एक ट्रायंगल बन गया, देखो ये ट्रायंगल बन गया, हाँ ये ट्रायंगल बहुत अच्छा लग रहा है आपको, ट्रायंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्सिस. देखो ये दो लाइन है, ये लाइन कौन सी है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, और ये दो लाइन और x एक्सिस के बीच में ट्रायंगल बन रहा ठीक है. और आपको क्या फाइंड करना, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल. अब एक इसके वर्टेक्स से हुए एक ये कोई ट्रायंगल होता है, इसके वर्टेक्स क्या होते हैं, यही होते हैं, और वर्टेक्स मतलब x कोमा y, x कोमा y, तो इसका वर्टेक्स कितना आया, ये लिखा है ऑलरेडी, कितना है 4, 0, ये कितना लिखा 4, 0 ये, और अगला वर्टेक्स से कितना लिखा -1, 0, तो इसको साफ-साफ लिख दो -1, 0, और अगला वर्टेक्स क्या आ रहा है आपके सामने जल्दी से देखें, 2, 3 यही दिख रहा है, देखो x के वैल्यू 2 है तो दिस इज 2, 3 दिख रहा ना, देखो डॉट डॉट लाइन मैंने ड्रॉ की, 2, 3 तो वर्टेक्स हो गए एक आपके -1, 0 4, 0 एंड 2, 3 ये आपका आंसर. समझ आ गया, मतलब दो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेना, उसके बाद उसके वर्टेक्स, तो वर्टेक्स ये ट्रायंगल के वर्टेक्स होते हैं ठीक है ना. ओके आज की कहानी खत्म है.